गाडोवाला में शनिवार को सांसद कैलाश सोनी और राय उदय प्रताप सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए शासकीय अस्पताल को ये सौगात दी गई। एनटीपीसी सामुदायिक विकास निधि से 75 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है। इस दौरान विधायक सुनीता पटेल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कैपेसिटी एक तो ये एनटीपीसी द्वारा निर्मित है, उनके कोलैबोरेशन से ये समाज को प्राप्त हुआ है। दूसरा, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 500 लीटर प्रति मिनट, और इसके साथ ही इसमें एक्सटेंशन प्लांट है। इसमें वो सिस्टम है कि इससे सिलेंडर ऑक्सीजन के भरे जा सकेंगे। अभी नरसिंहपुर का बन गया वो 1000 लीटर का है, लेकिन उसमें सिलेंडर भरने का सिस्टम नहीं है। पूरे एनटीपीसी परिवार के तरफ से सारे गडावारा निवासियों को मैं स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है गडावारा के हिस्ट्री में। यहाँ हमने कोविड-19 के दूसरे दौर में जो आपदा देखी है उसको ख्याल में रखते हुए हमारे विद्युत मंत्रालय के डायरेक्शन से और हमारे जितने लोक प्रतिनिधि है उनके डायरेक्शन से यहाँ एक 500 लीटर पर मिनट जो करीब करीब 50 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकता है ऐसे प्लांट का स्थापना किया गया है, और सारे महानुभवों की उपस्थिति में इसके उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा इसमें बॉटलिंग का सुविधा भी है। हम जिस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में नहीं होगी उस समय हम बॉटल में